ऐ ओवैसी, तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया, तो अब्बा ने कहां कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा अल्लाह भी जाया तो बोले भारत में आ गए, ये कदम यहीं रखा, अब्बा की जमीन है। अबे तू मेरे को कहां मिला रहा जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा, तो क्या ये बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक, जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किए, मुजाहिद आजादी है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक, उन्होंने कहा था यह बात। अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तुम बताओ इस पे? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है, वो आदिवासी है, ड्रेविडियन है, बाकी के सब लोग आए। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये चार जो माइग्रेशन हुए आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, सब मुगल आए, मुगल आए। एम टॉप बैंक्वेट हॉल, मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।